हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 25 अप्रैल 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीआईबी की इम्पोर्टेंट न्यूज है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, तो चलिए हमारे डिस्कस ना वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आज की न्यूज आई है वो आई है इंटरनेशनल एसएमई कन्वेंशन 2018 के बारे में। तो देख लेते हैं क्या है। इंटरनेशनल स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की कन्वेंशन हुई है उसको लेके भी न्यूज है वो आई है, और जो कन्वेंशन हुई है ये इंडिया में होस्ट की गई है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है किसके द्वारा, इंडिया में होस्ट की गई है एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज मिनिस्ट्री। इसके साथ ही और भी जैसे है इन नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, इसके साथ ही खादी विकास है इंडस्ट्री कमीशन है उसके द्वारा इसकी शुरुआत है या उसकी स्टार्टिंग है वो की गई है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है किसके द्वारा से होस्ट किया गया है, ये चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट आती है। और इसमें डिफरेंट कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, अप्रोक्सीमेट 31 कंट्रीज है उसमें पार्टिसिपेट कर रही है, उनके डिफरेंट स्टेक होल्डर्स मतलब उनमें जो उन कंट्रीज में जो कंपनीज हैं वो भी, या फिर वो जो स्टेक होल्डर्स प्राइवेट इंस्टीट्यूट वगैरह हो गए वो भी यहाँ पे पार्टनर एक तरीके से पार्टनर बन के आ रहे हैं। तो इतने सब हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, बट हमें ये पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस कन्वेंशन है वो इंडिया में होस्ट किया गया इस बार किसके द्वारा, बस ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट होती है। और सबसे अहम बात क्या थी, फोकस क्या है इसका और थीम क्या है। तो देखो थीम है इसकी वो बार है बिजनेस बियॉन्ड बॉर्डर्स, तो मतलब जो बिजनेस है ट्रेड है इसको प्रमोट करना है हमारे बॉर्डर्स के क्रॉस बॉर्डर वाले एरिया में, तो ये इसकी थीम है। फोकस इसका रहेगा इंडिया के मेक इन इंडिया प्रोग्राम, इसके साथ ही वुमेन एम्पावरमेंट पे। तो ये चीज थोड़ा पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस पॉइंट का थोड़ा हमें पता नहीं चलेगा एग्जाम में कि वुमेन एम्पावरमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप है उसकी तरफ बूस्ट किया जाएगा। इसके साथ ही गवर्नमेंट का फोकस ये रहेगा कि भाई जैसे जैसे हो हमारे देश का एक्सपोर्ट है उसको बूस्ट किया जाए, तो ये थोड़ा बेसिक चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट जो न्यूज है वो आई है आदिलाबाद डोकरा, इसके साथ ही वारंगल डूरीज के बारे में। तो इनको भी जीआई टैग है वो दिया गया है, तो उसके बारे में कंटेक्ट है, तो ये यूपीएससी पूछ सकती है कि कहाँ से रिलेटेड है, तो हमें इनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। तो एक बार हम देख लेते हैं। देखो जो आदिलाबाद डोकरा है यह मेनली एक मेटल क्राफ्ट है, मतलब एक तरीके से मूर्ति टाइप की है, जिसके बारे में भी हम देखने वाले हैं कैसी इसकी शेप वगैरह है, ऐसी ऐसी डिजाइन है इसकी, तो आप एक बार देख सकते हो इनके बारे में जो कि हमारे लिए यूपीएससी मेनली पूछ सकती है। ये तो है एक्चुअली यहाँ पे मैन आती होती है आदिलाबाद डोकरा, और इसके साथ ही एक और है वारंगल जो कि तमिलनाडु, दोनों ही सॉरी तेलंगाना में है। ये वारंगल भी आपको बताया कि तेलंगाना में आता है अभी, और ये जो यहाँ पे दूसरे वो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो जो कि वारंगल ड्यूरीज। तो वारंगल ड्यूरीज एक तरीके से जो बुनकर होते हैं ना उनके द्वारा कढ़ाई या पेंटिंग है वो की जाती है इस कपड़े पे, वो होती है जो कि मेनली पायदान वगैरह ऐसी चीजों पे यूज है वो की जाती है। तो इसके बारे में आप देख सकते हो, यूपीएससी इनको पूछ सकती है। एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है वो कम्युनिटी के बारे में यूपीएससी बेसिकली पूछ सकती है और भी कि कौन सी कम्युनिटी वगैरह के द्वारा बनाई जाती है। तो जो आदिलाबाद डोकरा है जो कि एक मेटल क्राफ्ट जो अभी मैं देखा था पेंटिंग मेटल क्राफ्ट जो मेटल की मूर्ति है वो एक्चुअली वोज कम्युनिटी है, वहाँ पे वोज कम्युनिटी को वहाँ पे दूसरा अदर भी नाम है, एक तो है ओजाज, तो ये जमीन जमीन आप ध्यान रखनी है, इसके साथ एक और है वो है वोजनीज, तो ये ध्यान रखना है कि ये वहाँ पे ट्राइबल एरिया है उनके द्वारा ये मेटल आर्ट्स है वो बनाई जाती है, और इनको भी जी आई टैग है वो दिया गया है। वारंगल ड्यूरीज हमने देखा कि वेजिटेबल कलर से एक्चुअली पेंटिंग वगैरह है वो की जाती है कपड़ों के ऊपर स्टाम्प वगैरह के टो में ठप्पे लगा के, तो वो यहाँ की बेसिक है जो तो जी आई टेक है वो दिया गया। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि जी आई टेक है वो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है, कौन सी मिनिस्ट्री है और कौन सा डिपार्टमेंट है, क्योंकि इसके बारे में हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, तो आई होप अब आपको याद है वो हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज के बारे में। तो वर्ल्ड प्रेस जो फ्रीडम प्राइज है वो एक्चुअली इस बार दिया गया, वो दिया गया मोहम्मद अबू जैद को, तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है किसके द्वारा दिया जाता है कहीं देख लो। तो वर्ल्ड जो प्रेस फ्रीडम प्राइज है इसका दूसरा अदर नाम भी है वो है यूनेस्को, एक्चुअली वर्ल्ड प्रेस यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके अलावा एक इसका तीसरा नाम और है जिसका नाम है गोलिमो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। सबसे अहम पॉइंट तो यहाँ पे आता है किसके द्वारा दिया जाता है, तो यह दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है। क्यों दिया गया किसको, यह एक फोटोग्राफर है मोहित अबू अजीज, जिन्होंने काफी अच्छा काम किया किस सेक्टर में, इन्होंने एक्चुअली मतलब काफी दुर्गम एरियो में जाके लोगों की एक तरीके से फोटोग्राफी लेके जनता के सामने पब्लिश है वो किए, इसके साथ इन्होंने डिफेंस सेक्टर में भी काफी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो किया, तो इसलिए ये अवार्ड है या प्राइज है वो दिया जाता है। मतलब यह जो प्राइज है वो किसी इंडिविजुअल पर्सन को भी दिया जा सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है, या फिर किसी इंस्टीट्यूट है उसको भी दिया जा सकता है जिसने कोई डिफेंस सेक्टर में कोई अपना अद्भुत योगदान दिया हो, या फिर किसी प्रेस फ्रीडम को शो किया हो कहीं ना कहीं, जैसे कि किसी दुर्गम एरिया में जाके रियलिटी है वो सामने लाई गई हो, जैसे कि सीरिया में वार हो रहा है और वहाँ की रियलिटी लोगों के सामने लाई जा रही है पूरे वर्ल्ड के सामने, तो ऐसे जो डिफरेंट जो काम होते हैं उनके लिए प्राइज है वो दिया जाता है। तो अभी दिया गया वो दानकना में मौजूद अबू जैद को यह अवार्ड है वो दिया गया, जो कि इजिप्ट के एक फोटोग्राफर हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। वो मेनली जो ये प्राइज है इसकी स्टार्टिंग की गई है कोलंबिया के एक जर्नलिस्ट थे जिनका नाम था
गुलिर्मो कोनो। तो इन गुलिर्मो कोमो की अवार्ड याद में एक्चुअली इस अवार्ड को यह दिया जाता है, एक जर्नलिस्ट थे जो कि 1997 में यूनेस्को के द्वारा स्टार्ट है, वो क्या गया था। तो इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस की है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो यहाँ पे आया राजेश बिंदल कमेटी के बारे में। तो इस पर यूपीएससी डायरेक्टली पूछ सकती है तो कि राकेश बिंदल कमेटी कहाँ पे, मतलब किसके लिए बनाई गई है। तो देखो राकेश बिंदल कमेटी है वो एक्चुअली क्रॉस बॉर्डर जब मैरिज होती है, काफी बार आपको पता है, तो जब उनमें डिफरेंसेस पैदा होते हैं उस कंडीशन में जो भी इश्यूज होते हैं उनसे निपटने के लिए बिसने अपनी रिकमेंडेशन है वो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को सौंपी अपनी रिपोर्ट्स वगैरह। देखो थोड़ा कंटेक्स्ट हम थोड़ा हिस्ट्री से देखने की कोशिश करते हैं मतलब बैकग्राउंड के साथ। देखो जब कई बार क्रॉस बॉर्डर मैरिज होती है और उसके बाद जब उन जब मतलब हस्बैंड और वाइफ में अगर तलाक वगैरह कुछ भी अगर डिफरेंसेस आ जाते हैं तो उस कंडीशन में जो उनके बच्चे हैं उनके साथ क्या होगा, वो कौन से मतलब कहाँ रहेंगे, उनके काफी सारे प्रॉब्लम्स आती हैं, कहाँ उनको रहना वगैरह होगा, क्योंकि उन्हें काफी सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है या फिर उनके जो मामले वो कोर्ट वगैरह में चलते रहते हैं। तो बच्चों को यहाँ पे फ्रीडम या बच्चों को एक तरीके से राइट्स वगैरह प्रोवाइड करवाने के लिए ये कमेटी है वो बनेगी है। तो इसके बारे में इसने भी जो अपनी रिपोर्ट है वो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को सौंपी है। तो ये कंटेक्स्ट था। तो राकेश बिंदल कमेटी में थोड़ी ध्यान रखनी कि किससे रिलेटेड है, सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है। अब थोड़ा आगे हम हेग कन्वेंशन है इसी के तहत इसके एक दो पॉइंट्स और भी यहाँ पे देखते हैं। हेग कन्वेंशन ऑन द सिविल एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल चाइल्ड एवोल्यूशन, ये एक्चुअली एक रिपोर्ट है जो 1980 में जो हेग कन्वेंशन थी उसके तहत पब्लिश की गई थी। इस रिपोर्ट में है क्या, इस रिपोर्ट में एक मल्टीलेटरल ट्रीटी के तहत एक रिपोर्ट थी जिसका मेन मोटो ये था कि जो चिल्ड्रंस है ना उनके राइट को प्रोटेक्ट करना, मतलब चिल्ड्रंस के जो भी राइट्स होते हैं उनको, जैसे कि क्रॉस बॉर्डर मैरिज हुई और जब उनके बीच में डिवोर्स या तलाक वगैरह कुछ भी हो गया, इस कंडीशन में बच्चे हैं उनको कहाँ रहना है, वो कहाँ रहना चाहते हैं। देखो कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लो कि अगर क्रॉस बॉर्डर मैरिज में अगर मैरिज है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ही हो रही है और उस कंडीशन में बच्चे अगर चाहते हैं कि वो इंडिया रहें या बच्चे चाहते हैं कि वो पाकिस्तान रहें, और जबकि उनके पेरेंट्स वाले नहीं चाहते कि वो यहाँ रहें या दूसरी जगह, तो उसके में बच्चों को काफी सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है कि यार कहाँ रहें, घर वाले उनको एक एक तो पेरेंट्स वो इधर खींचते हैं इधर खींचते हैं, तो इस कंडीशन में उन्हें काफी दिक्कत्स होती है, ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन हो रहा है, इसके साथ ही पेरेंट्स जो बच्चे होते हैं उनका फ्यूचर भी एक तरीके से अंधकार में हो जाता है। तो उन सब बातों के लिए ये कन्वेंशन है ये बनाई गई थी और इसकी रिपोर्ट है वो आई थी ताकि बच्चों के साथ कोई भी हार्मफुल काम है वो ना किया जा सके और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, इसके लिए मल्टीलेटरल ट्रीटी की गई है। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि इंडिया ने अभी इसको साइन है वो नहीं किया है। क्यों नहीं साइन किया गया इंडिया के द्वारा, क्योंकि इंडिया ने अभी तक कोई डोमेस्टिक लॉ है इस चीज के लिए नहीं बनाया कि अगर क्रॉस बॉर्डर मैरिज में जब तलाक वगैरह कुछ भी हो जाता है तो उस कंडीशन में बच्चों को क्या राइट्स वगैरह मिलेंगे। तो इसलिए अभी इंडिया भी इसका सेनेटरी है वो नहीं बन चुका है क्योंकि इंडिया ने अभी तक डोमेस्टिक रूल है वो नहीं बनाया और इसीलिए गवर्नमेंट अभी डोमेस्टिक रूल बनाने की तरफ लगातार अग्रसर है। तो ये चीज थोड़ी हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बन जाता है यूपीएससी इसके बारे में बेसिकली पूछ सकती है। तो ये एक पॉइंट था। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज जब आई है अर्थ बायो जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में, तो अर्थ बायो जीनोम प्रोजेक्ट है वो एक्चुअली भी स्टार्टिंग करने की बात है, इसके द्वारा एक प्रपोजल वो लेके आ गया है। तो है क्या है प्रोजेक्ट वो हम देख लेते हैं, मतलब डिफरेंट जो साइंटिस्ट ग्रुप्स हैं उन्होंने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने की बात है वो की गई है। देखो इसमें एक्चुअली ये कहा जाएगा कि जो यूकेरियोटिक जो स्पीसीज होती है ना उनकी स्टडी करने के लिए, मतलब जो यूकेरियोटिक स्पीसीज कौन सी है सबसे पहले तो वो उनकी समझने की कोशिश करते हैं। देखो वो प्लांट्स या एनिमल दोनों ही ले सकते हो आप इसमें, जिनकी एक्चुअली सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है उनको बोलते हैं यूकेरियोटिक स्पीसीज। अब जैसे कि आपको बता दूं किसी ह्यूमन है उसकी सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और आपको पता है कि न्यूक्लियस को नाभिक बोलते हैं और न्यूक्लियस के अंदर एक्चुअली जो क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र डीएनए वो सब उसी के अंदर होते हैं। तो मतलब जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन्स वगैरह का ट्रांसफर होता है वो न्यूक्लियस की हेल्प से ही होता है। तो वो थोड़ा हमें बेसिक यहाँ पे ध्यान रखना है। तो जिन प्राणियों में या जिन एनिमल और प्लांट दोनों में ये न्यूक्लियस पाया जाता है सेल के अंदर उनको एक्चुअली यूकेरियोटिक स्पीसीज के नाम से जाना जाता है। अब उनकी स्टडी की जाएगी इस प्रोजेक्ट के तहत, जैसे कि उनके जीनोम वगैरह हो, क्रोमोसोम्स वगैरह, जैसे जो भी उनकी फ्यूचर स्टडी वगैरह करने के लिए। इस प्रोजेक्ट का फायदा मेनली ये होगा कि इससे एक तो हमें पता चलेगा कि ब्रह्मांड में जीवन वो किस तरीके से स्टार्ट हुआ था या फिर कौन से नई मेडिसिन वगैरह बनाने में। देखो एप्लीकेशन वो काफी बड़े वो लेवल पे होते हैं तो उनका हम ये नहीं कह सकते कि भाई केवल पर्टिकुलर ही होगा, रिसर्च से एक तो काफी सारी चीजें और भी सामने आ सकती हैं। इसके अलावा नई मेडिसिन बनाने में पता चलेगा कि अच्छा भाई मेडिसिन हम किस तरीके से बना सकते हैं या फिर और भी उसे जीनोम टेक्निक में कोई भी एडिटिंग वगैरह करनी हो तो वहां भी इसका यूज है वो हो सकता है। तो एप्लीकेशन काफी ब्रॉड लेवल पे यहाँ पे होते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि यूकेरियोटिक में एग्जांपल में और कौन कौन से वगैरह नहीं आते, यूपीएससी है पूछ सकती है। जैसे कि देखो बैक्टीरिया और जो आर्किया होते हैं इन दोनों में एक्चुअली आपको बता दूं कि न्यूक्लियस है वो नहीं होता, मतलब इन दोनों में न्यूक्लियस प्रेजेंस नहीं होता है, तो ये एक्चुअली यूकेरियोटिक स्पीसीज है वो नहीं होती है। जैसे इंसान है वो यूकेरियोटिक स्पीसीज है। तो अप्रोक्सीमेट हमारी अर्थ पे जो मैक्सिमम स्पीसीज है वो आपको पता है कि यूकेरियोटिक स्पीसीज ही होती है क्योंकि सबके सेल में न्यूक्लियस है वो होता है।
तो ये ध्यान रखना है हमें कि बैक्टीरिया और जो आर्किया होते हैं ये एक्चुअली यूकेरियोटिक स्पीशीज होनी होती है। यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है डायरेक्टली, और अर्थ बायोम प्रोजेक्ट के बारे में भी क्या है, तो यह मेनली यूकेरियोटिक जो स्पीशीज है उनकी स्टडी वगैरह करने के लिए। अब चलते हैं हम आगे। अगला जो आज हम न्यूज डिस्कस करने वाले हैं वो एक्चुअली गंगा रिवर के बारे में, कि गंगा रिवर का जो ओरिजिन्स है उसके बारे में, लेके वो जो प्रयाग वगैरह है, क्योंकि इस पे यूपीएससी काफी बार क्वेश्चंस वगैरह पूछ लेती है, तो एक बार इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहला आता है विष्णु प्रयाग, क्योंकि यूपीएससी इनके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस ऐसे पूछ लेते हैं घुमा फिरा के, तो यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो जो विष्णु प्रयाग है वो एक्चुअली यहाँ पे देखो ये आप देख रहे हो ये है अलकनंदा रिवर, ये पूरी यहाँ पे अलकनंदा रिवर है, तो अलकनंदा रिवर और यहाँ पे धौली गंगा देख सकते हो आप, जब दोनों मिलती हैं उसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। तो ये ध्यान रखना है कि विष्णु प्रयाग है वहाँ पे अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है उसको कहते हैं। और जो ये भी थोड़ा आप देख लेना एक बार कि जो जो अलकनंदा रिवर है यहाँ पे भागीरथी से ओरिजिन हो रही है। इसके बाद में अगला आता है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में क्या होता है, जब ये अलकनंदा रिवर फिर आगे बढ़ती है यहाँ पे, तो अलकनंदा रिवर में जब नंदाकिनी रिवर आके मिल रही है यहाँ पे, तो उसको मेनली बोला जाता है नंद प्रयाग। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो कि नंद और नंदाकिनी, मतलब नंदाकिनी रिवर जब मिलती है तो नंद प्रयाग है वो बनता है। तो ऐसे आप मतलब याद करने की ट्रिक्स आपको थोड़ा मैंने बता दी यहाँ पे। नेक्स्ट फिर आता है यहाँ पे करण प्रयाग। तो करण प्रयाग में आपको ध्यान रखना कि अलकनंदा रिवर फिर आगे बहती है, तो उसमें पिंडार रिवर जब आके मिलती है, पिंडार गंगा महसी वो से बोलते हैं, तो ये बनता है करण प्रयाग। और करण प्रयाग के फिर आगे वापस इसका नाम है एक्चुअली अलकनंदा ही होता है, तो अलकनंदा में जब फिर आगे से आप देख सकते हैं यहाँ पे मंदाकिनी रिवर है वो आके मिल रही है, तो ये बनता है रुद्र प्रयाग। तो इसके साथ उनकी लोकेशन वगैरह ध्यान रखनी है। इसके बाद में रुद्र प्रयाग के बाद में आगे जब यहाँ पे अलकनंदा रिवर आगे आ रही है, तो इसमें आपको पता है भागीरथी रिवर मिलती है जो कि निकलती है गंगोत्री से। तो जब भागीरथी रिवर इसमें मिल जाती है तो बात है देवप्रयाग। देवप्रयाग है कहाँ पे ये आप लोकेशन बताइए, और तब इसमें मिल जाती है संयुक्त रूप से कहते हैं गंगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी, गंगा होती है वो देवप्रयाग में बनती है, और देवप्रयाग में अलकनंदा रिवर और भागीरथी रिवर दोनों आगे मिलती है। और ये ध्यान रखना है कि भागीरथी रिवर है वो इसके राइट साइड की ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट साइड की ये यूपीएससी बहुत बार पूछती है और काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है राइट और लेफ्ट वाला। और ये यहाँ पे फिर यमुना है। चलो आप ये बताइए कि यमुना और गंगा का संगम कहाँ पे होता है और उसको क्या किस नाम से जाना जाता है, गंगा और यमुना के संगम को, और कौन से स्टेट में होता है, और जगह का नाम भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्योंकि देखो इंडिया की इंपॉर्टेंट रिवर है, होली रिवर भी है, तो यूपीएससी के ऊपर क्वेश्चंस वगैरह डायरेक्टली पूछ सकती है, और काफी बड़ा अपवाद अंतर है इसका, तो इसलिए भी एक ये बहुत अहम क्वेश्चन है यहाँ पे बन जाता है। अब चलते हैं हम आज के कुछ क्वेश्चन की तरफ। अब आज का देखो जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पे है, वो है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के बारे में, जिसके बारे में हमने कल ही डिस्कस किया था। पहला स्टेटमेंट ये है कि यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि है केवल हमारे देश में जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके लिए ही काम है वो करती है, मतलब मुस्लिम माइनॉरिटी समुदाय के लिए काम है वो करती है। तो देखो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है वो अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला उसको, वो केवल एक स्टेचुरी बॉडी है, क्वेश्चन जुडिशियरी बॉडी के तौर पर ही काम करती है। ये चीज हमने डिस्कस की थी, केवल नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब है दो ही ऐसे कमीशन जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा है वो दिया गया अभी तक। तो यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ना ही तो अभी तक बैकवर्ड क्लास के जो कमीशन है उसको दर्जा दिया गया है, और ना ही अभी माइनॉरिटी के कमीशन को दर्जा है वो दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इसके बाद में आता है कि ओनली मुस्लिम कम्युनिटी, तो ओनली मुस्लिम कम्युनिटी वाला पॉइंट इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि ये चीज देखो हम जानते हैं कि जो हमारे देश में रिलीजियस कम्युनिटी है जो माइनॉरिटीज में आती है वो एक्चुअली छह है। स्टार्टिंग में पांच थी, फिर बाद में एक और ऐड कर दी गई थी। तो कौन सी है वो पांच छह एक साथ हम देख लेते हैं। सबसे पहले आती है मुस्लिम कम्युनिटी, इसके बाद में आती है क्रिश्चियन, इसके बाद में आते हैं सिख, और सिख के बाद में आते हैं यहाँ पे बुद्धिस्ट, और बुद्धिस्ट के बाद में आते हैं यहाँ पे पारसी, और पारसी के बाद में सबसे जो लेटेस्ट ऐड किया गया है वो अभी जो है वो है जैन। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि जैन है वो सबसे लेटेस्ट ऐड किया गया है। तो इस तरीके से कुल छह हमारे देश में धर्म के आधार पे कम्युनिटी है वो बनाई गई है। तो ये चीज हमें थोड़ा पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आया है IMFC के बारे में, इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी के बारे में। इसके बारे में पहला स्टेटमेंट ये है कि यह जो कमेटी है इसका मेन काम ये होता है कि फाइनेंशियल जो IMF होती है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड होता है, उसको एडवाइस देने का काम करती है। पहला तो ऑप्शन ये है। और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी है इसकी दो साल में एक बार मीटिंग है वो होती है। तो देखो पहला स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल सही है कि IMF को इसका काम एडवाइस देना होता है, बट दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसकी हर साल दो बार मीटिंग होती है, मतलब एक साल में दो बार मीटिंग होती है ना कि दो साल में एक बार। और इसका मेन मुद्दा होता है डिस्कशन का वो यही होता है कि किस तरीके से हम ग्लोबल इकोनॉमी को आगे लेके जा सकते हैं और जो भी इश्यूज हैं उनके ऊपर बातचीत है वो की जा सके। तो ये पॉइंट हमें यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रामसर कन्वेंशन के बारे में। तो रामसर कन्वेंशन के बारे में आपको बताना है, पहला स्टेटमेंट ये है कि क्या यह UN की ट्रीटी है,
यह आपको बताना है कि भाई यूएन की ट्रीटी है या नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि यह मोनिटेक्स जो रिकॉर्ड है उसको एक्चुअली मेंटेन है वो करती है। तो मोनिटेक्स रिकॉर्ड में है क्या? तो मोनिटेक्स रिकॉर्ड में आपको पता है कि जो भी वीटलैंड्स है, जो भी आर्द्र भूमि है इंटरनेशनल लेवल की जिनको कंजर्व करना काफी जरूरी है, उनकी एक लिस्ट है वो बनाई गई है और आर्मस्टर कन्वेंशन के तहत ही। इसके बारे में हमने कल है वो डिस्कस किया था। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है और दूसरा बिल्कुल सही है कि मोनिटेक्स रिकॉर्ड इसको मोनिटेक्स रिकॉर्ड को रामसर कन्वेंशन के तहत मेंटेन है वो किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कायाकल्प अवार्ड के बारे में। तो ये आपको बताना है कि कायाकल्प अवार्ड के बारे में पहला स्टेटमेंट इसका ये है कि कायाकल्प जो अवार्ड है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो पहला ऑप्शन तो ये हो गया। और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि है अवार्ड वो कल्चरल मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है। तो आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। देखो पहला स्टेटमेंट है वो यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल आप बताइए सही है गलत है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है क्योंकि यह संगीत के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। कायाकल्प अवार्ड है वो एक्चुअली इंस्टीट्यूट या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको दिया जाता है ताकि वो किस तरीके से अपने वहाँ पे सफाई वगैरह को हाइजीन को मेंटेन करके रख रही है, मतलब किस तरीके से अपने इंस्टीट्यूट वगैरह की कायाकल्प वो की उन्होंने चेंज किया है, उनमें जो भी कमियां वगैरह थी सफाई वगैरह को लेकर देख सकते हो उन सब कमियों को दूर किया है तो उसलिए अवार्ड वो दिया जाता है। तो ये तो हो गया यहाँ पे। अब दूसरा स्टेटमेंट यह कि यह कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है, नहीं तो ये काफी इंपोर्टेंट होता है। तो ये आप एक बार सोचिए कि कल्चर मिनिस्ट्री का क्या लिंक यहाँ पे हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि इस तरीके से यूपीएससी कई बार काफी हमें कंफ्यूज कर देती है और वहाँ पे हम एग्जाम में कंफ्यूज है वो हो सकते हैं। तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो यह दिया जाता है एक्चुअली वो दिया जाता है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा। तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है क्योंकि हाइजीन वगैरह हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री से आप लिंक करके इसको याद है वो कर सकते हो। तो इसलिए इन चीजों को एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेना। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन। फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।